अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर और आज आपके लिए लेके आए हैं, बल्कि आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा, यूप नेशनल पार्क का ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में इंशाल्लाह हमने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरटेनमेंट की जगह है, जो झूले हैं, पार्क हैं, जू है, उसको कवर करने की कोशिश करें। वैसे तो आपको इस पार्क के बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। 313 एकड़ पर ये पार्क बना हुआ है और जैसे आपने तो कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए पूरा कवर करने की कोशिश करें। खैर पॉसिबल तो नहीं है कि 313 एकड़ का पार्क हम एक 10-12 मिनट की वीडियो में हम इसे कवर कर सकें, तो खैर कोशिश पूरी है, लेकिन जो गलती, जो मिस्टेक, जो हो उसको नज़रअंदाज करें और अपने लोगों से शेयर करें, अपनी संभाग के लोगों से शेयर करें, कराची के लोगों से शेयर करें, ताकि वो हमारा व्लॉग देखें। मिलते हैं आगे आपसे व्लॉग में। ये जॉगिंग ट्रैक है और यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो मोहसिन भाई पूरा कवर करें इस ग्राउंड को। ये यू पार्क में फुटबॉल ग्राउंड है और बहुत ही प्यारा बना हुआ है यार। अपना टाइम याद आ गया, दिल करता है फिर से स्टार्ट करें फुटबॉल खेलना, इतना कोई बेहतरीन बना हुआ है। आगे आपसे शेयर करते हैं मज़ीद, अयूब पार्क को फुल कवर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश पूरी है और ये हमारा व्लॉग पूरा लाजमी एंड तक देखिएगा। मोहसिन भाई हैं, तो मोहसिन भाई को अयूब पार्क चपे चपे तक पता है, हमें इतना आइडिया नहीं है, तो साथ इसलिए मोहसिन भाई को लेके आए हैं। मोहसिन भाई बताएं आगे हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लेक बोटिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह आप बहुत एंजॉय करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे चल के आपको व्यू भी दिखाते हैं। तो मोहसिन भाई पार्क वैसे बहुत पुरसकून है। सुकून है, इतना कोई इशू। कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के। मोहसिन भाई पहले आप पानी दिखाएं। बहुत मज़े का व्यू आ रहा है यार, बहुत मज़े का। दिल कर रहा है कि बस समंदर में छलांग लगा लूं। और यार बचपन में बहुत बैठे हैं इसमें हम, तो अभी बड़े हो गए हैं। खैर दिल तो कर रहा है बैठने का, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम आज नहीं बैठ सकते। फिर कभी इंशाल्लाह आपको इसके अंदर बैठ के भी दिखाएंगे। बहुत मज़े का पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है इस्लामाबाद पिंडी का। और ये देखें, जब भी मेरे ख्याल से पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस पार्क में ना आया हो। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं प्राइड रॉक पे। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे जो शहीद हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये उनके यहाँ पे बना हुआ है। जैसे कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद हैं, मेजर तुफैल मोहम्मद, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज शहीद हैं, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद हैं और राजा अजीज़ भट्टी साहब हैं। तो ये इन पर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। मोहसिन भाई जूम करें वो पीछे, ये हमारे शहदा के ऊपर ये बना हुआ है, हमारे जो आर्मी के शहीद हैं जो जंग में शहीद हुए हैं, राशिद मिनहास हैं, जिस किसी से भी ये लोग भूले नहीं हैं, वो शहीद कभी मर नहीं सकता।
अच्छा, तो जैसे हमने प्राइड रॉक्स जैसे अयूब पार्क में ये शहदा के ऊपर बनाया हुआ है, वो शहदा के लिए जो पिक्चर है वो पत्थर से बनाई गई हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी हमें इस पार्क में कि शहीद हमारे जो हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको अभी भी ज़िंदा रखा गया है। तो वैसे भी जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनसे पार्क कहीं घुमा तो नहीं है, वो तो डेली बेसिस पे हर फ्राइडे को, हर संडे, हर वीकेंड पे आते हैं। तो हम खुद बचपन में यहाँ काफ़ी आते रहे, लेकिन काफ़ी पार्क में काफ़ी चीज़ें न्यू आई हैं, तो विज़िट कीजिएगा लाजमी आप लोग भी अयूब पार्क। यहाँ पे ऊपर जाना हमें मना है क्योंकि ऊपर जाने नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग विज़िट करें तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आपकी आ सकती हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं। मोहसिन भाई ये व्यू दिखाएं जरा इनको। पार्क में सुकून भी बहुत है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, तो अभी थक गए हैं, सोच रहा हूँ कुछ खा पी लें, तो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। यार पार्क में सुकून देख के दिल करता है सारा दिन इधर ही पड़ा रहूँ, और माशाल्लाह दरख्तों की जो नेचर है, जो नेचुरल जो दरख्त हैं, जो ऑक्सीजन आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून आ रहा है। तो मैसेज इसमें यह भी है कि दरख्तों को ना छेड़ें, दरख्त ना तोड़ा करें, क्योंकि दरख्त से हमारा ऑक्सीजन बनता है, और ये दरख्त रहने दें, इसी से हमारा सांस चल रहा है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आगे बस आपको दिखाते हैं पार्क की एंडिंग करने लगे हैं, क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पार्क बहुत बड़ा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। बड़े टाइम बाद भागा हूँ, अगर इसी तरह मैं एक ट्रैक यू पार्क का लगा लूँ तो मेरे ख्याल से मैं 10 से 12 किलो वज़न कम कर सकती हूँ एक महीने में। अयूब पार्क के गोलगप्पे ट्राई करने लगे हैं, आइए दो हमें भी, ठीक है यार क्रिस्पी है। तो पार्क में दो साइड है, पहले साइड आपको दिखाई है जिसमें यहाँ पे भी है, तो
पार्क बहुत बड़ा है, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा पार्क इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे बड़ा पार्क है ये। जैसे कि बहुत मजे का, बहुत ही मजे का शो है और अल्लाह पाक की दिखाएं कितना जबरदस्त पानी चलता हुआ मौसम। भाई फोकस करें पानी पे, पानी पे फोकस करें जो पानी। तो जैसा कि अभी पार्क 50% भी नहीं हुआ, तो मतलब 30% हमने ब्लॉग में शामिल की है, तो अभी मज़ीद देखते हैं कि हम इसको 100% कर सकते हैं या नहीं। पॉसिबल तो नहीं है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। हम जा रहे हैं जू साइड पे, तो कोई नहीं नीचे की तरफ दिखाएं चलते हैं। आगे दिखाएं मौसम की हसन भाई, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है, काफ़ी झूले हैं, मेरे ख्याल से झूलों के हिसाब से भी काफ़ी वैरायटी है इधर। तो बचपन में बहुत खेले हैं ये चीज़ें, तो अब खैर आपको पता ही है कि बड़े होकर अब थोड़ा सा शर्म भी आ रही है इस चीज़ से, लेकिन बचपन में भी बहुत मज़े किए हैं। लेकिन आगे आगे आपको दिखा देंगे पार्क में और कौन कौन से झूले हैं, तो आपको मज़ीद दिखाते हैं। आई एम मुझे जो बोलने दिखा। तो ये हमारे कुछ दोस्त खेलते कूदते हुए, दिखाएं जरा मोहसिन भाई हमारे जो दोस्त हैं।
जैसा कि पूरा पार्क कवर करने की हमने पूरी कोशिश की है लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। अभी तो हम झूलों वाली साइड पे आए हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जो बच्चे अगर नहीं आए थे उनको लेके आए थे, वो बहुत ही खुश होंगे, उनको ये माहौल बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली पार्क है, सबसे बड़ी मेन बात ये है, और अच्छा माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कोई भी किसी किस्म की मसला हो तो सिक्योरिटी फ़ौरन पहुँच जाती है। और मौसम भाई कवर करें ज़रा। विजिट हम जा रहे हैं, ये हम जाने लगे हैं। सबसे जो टाइगर था हम बाहर आ गए हैं अभी यहाँ से, तो ये वापसी की है, ये इसके सामने बिल्कुल ये लोग यहाँ से वापसी आ रहे हैं। ये यूथ पार्क का म्यूज़ियम है। तो ब्लॉग का करते हैं इख्तिताम आज के अयूब पार्क के ब्लॉग का। तो यार कोशिश बहुत की है कि अच्छे से अच्छा करें, अगर कोई गलतियां लगती हैं तो आप लोग हमें लाजमी बताएं ताकि हम उसको दोबारा किसी ब्लॉग में ना करें, नेक्स्ट ब्लॉग में ना करें। नेक्स्ट ब्लॉग हम इंशाल्लाह जनाब पार्क का करें जो रावलपिंडी में ही है, वो भी अच्छा पार्क है, खूबसूरत पार्क है, फैमिली पार्क है और सिनीपैक्स उसमें बहुत फेमस है। तो कोशिश यही है कि उससे भी अच्छे से अच्छा हम कवर करने की कोशिश करें। तो हमारा व्लॉग लाजमी देखिएगा और गलती हुई तो लाजमी बताइएगा। तो आज के व्लॉग के साथ चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।